हमीरपुर के निजी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते एक प्राध्यापक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के बाद प्राध्यापक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिस पर हमीरपुर में छात्र संगठनों ने मिलकर कॉलेज प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के निजी कॉलेज में छात्र से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को शहर की सड़कों पर उतरे दर्जनों छात्रों ने जहां रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं आरोपी प्राध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने शहर की सड़कों पर आक्रोश रैली निकाली और प्राध्यापक को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं SFI के पूर्व प्रधान संजीव सेठी ने बताया कि आए दिन प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि प्रदेश शर्मसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर के गर्ल कॉलेज में प्राध्यापक द्वारा छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करती है तो सड़कों पर उतरने के साथ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। हम देखते हैं कि अभी एक तो डेढ़ दो महीने की छुट्टियों के बाद कैंपस स्टार्ट हुए और उसके बाद जो है परसों एक इंसिडेंट जो है यहाँ गौतम कॉलेज के अंदर होता है, जिसके अंदर केमिस्ट्री के HOD दीपक कुमार जिनका नाम है, उनका एक वीडियो वायरल होता है पिछले कल, और उस वीडियो के अंदर कुछ लोग जो उनको पीटते हैं और पीटने की वजह यह बताई जाती है उन्होंने यहाँ पे एक लड़की के साथ जो है दुष्कर्म करने की कोशिश की है। और हम देखते हैं इससे पहले घटनाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश या अन्य जो स्टेट है उनके अंदर हुआ करती है, लेकिन आज यही घटनाएं जो है हिमाचल के अंदर हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले लोरेंस के अंदर जो है एक रेप होता है, नरसिंह की छात्रा के साथ कांगड़ा के अंदर रेप होता है, उड़िया रेप और मर्डर केस की कोई सुलझी नहीं है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम पूरे देश के अंदर जो है एजुकेटेड जिले के तौर पे जो है माना जाता है, उस जिले के अंदर जो गौतम कॉलेज जो बहुत ही प्रभावी कॉलेज पूरे जिले के अंदर माना जाता है, उसमें रेप की घटना जो सामने आई है। और हम देख रहे हैं कि पहले जो है लोग बोलते थे कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती है, लेकिन आज जो है गुरु ही रक्षक है, वही जो भक्षक बन गया है, और उसको जो है सजा दिलाने के लिए, लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम जो है इस जो हमारा ये मुद्दा है इसको मुकाम पे जो है ले जाते हैं। इसको लड़की को यहाँ भी आपका सरकार क्या करेगी, अगर इस प्रदर्शन के बाद भी पुलिस प्रशासन या सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा आंदोलन जो और उधर रुख की तरफ बढ़ेगा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बजाय सड़कों पर उतरेंगे, हम सड़कें जाम करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश विधानसभा के अंदर जाके जो विधानसभा है उसका घेराव करेंगे, और वहाँ पे जो है जो भी वहाँ पे MLA हैं, मंत्री हैं, हम उनसे मिलेंगे कि न्याय दो। न्याय नहीं देंगे हम जो है किसी भी हाथ जाने के लिए तैयार हैं। कॉलेज के जो MD है या प्रिंसिपल है हम उनसे मिलने जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो वो अंदर रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, ना हम जाएंगे। वहीं छात्राओं का कहना है कि आज का धरना प्रदर्शन छात्राओं के साथ हो रही दुष्कर्म के लेकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती रही तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तो गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही तार तार कर दिया गया। रात को पता लगा कि गौतम कॉलेज में एक टीचर ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है, जो कि हमारे इंडिया में तो था ही था, लेकिन हमारे हिमाचल में नहीं था। हमारे हिमाचल में भी जब से तो हो ही रहा है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग रहे हैं जस्टिस चाहिए यार, उसको फांसी चाहिए, बंदी को क्या है। कॉलेज जितने भी छात्र समुदाय है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, चाहे वो SFI है, ADVP है, आज कोई किसी संगठन के रहने के लिए नहीं आया है। आज जितने भी छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं वो साथ में मिलकर आए हैं, और गौतम कॉलेज में एक शिक्षक ने एक बेटी के साथ घटना का प्रकरण किया है, जिसके खिलाफ घटना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं है, प्रदेश सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने समय से कार्यवाही की है, शाम को उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई कमेटी बनाई जाती है ताकि लड़कियों को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए? हम चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ऐसी कमेटी बनाई जाए कि लड़कियों को बिल्कुल सुरक्षित महसूस हो। हमारे गौतम कॉलेज के अलावा और कॉलेज में भी लड़कियां इनसे डील कर रही हैं, तो हम इसके लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तभी यहाँ से जाएंगे जब यहाँ के MD और प्रिंसिपल सर अपनी बात उनसे करेंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। दो दिन पहले घटना हुई है लड़की के साथ जो
लड़के का, उसकी वजह से ये जो घटना हो रही है वो कपड़ों की वजह से हो रही है। इस कॉलेज की ड्रेस को सभी ने देखा, इस कॉलेज की ड्रेस किसी कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स के द्वारा लगाई गई है, तो फिर कैसे ये घटना इस कॉलेज में हो रही है? लड़कियों के कपड़ों के ऊपर बोलने से पहले वो अपने खुद के बेटों और जो उनके लड़के और जो उनके पति भाई जो भी करे उनको उनकी सोच को सुधारना चाहिए। पहले में जो दिल्ली में कांड हुआ था उसका खुलासा नहीं है, उसका सनदी के इससे फांसी मिली करेगा, इसलिए किया जा रहा है कि आज एक लड़की के साथ हुआ है कल को दूसरी लड़की के साथ भी होगा। यहाँ के लड़के बोल रहे हैं कि लड़कियों के कपड़ों में खराबी है। यार खराबी लड़कियों के कपड़ों में नहीं, उनकी मेंटेलिटी में खराबी है। ये लड़कियों के कपड़े गंदे नहीं होते, लड़कों की सोच गंदी होती है। जो उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसे ही मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो लड़के गंदे होते हैं। लड़कियाँ गंदी नहीं होती, सोच बदलो अपनी। और बोलते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती, तो आठ मंथ की बच्ची क्या थी उसके साथ क्यों रहती है, उसके क्या कपड़े थे? वो तो छोटी सी बच्ची थी ना, फिर भी